वैश्विक स्तर पर कीमती धातु में रही तेजी के बल पर बीते सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपए उछलकर 35,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 400 रुपए की साप्ताहिक बढ़त लेकर 39,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई। वहीं आपको बता दें कि बजट में सोने तथा अन्य बेस कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिए जाने के बाद मोदी सरकार के कार्यालय में पहली बार सोने में 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा है। विदेशों में गत सप्ताह सोने और चांदी पर तेजी रही। लंदन और न्यूयॉर्क से मिली जानकारी के अनुसार वहां सोना हाजिर 10.10 डॉलर के साप्ताहिक बढ़त लेकर 1415.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। और वहीं स्थानीय बाजार में बीते सप्ताह सोना स्टैंडर्ड 100 रुपए की साप्ताहिक बढ़त के साथ 35,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोना बिटू भी इतनी तेजी के साथ साप्ताह पर 35,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। 8 ग्राम वाली गिन्नी भी 100 रुपए की बढ़त में 27,400 रुपए पर पहुंच गई। और वहीं चांदी हाजिर 400 रुपए चमक कर 39,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर बोली गई। सोने और चांदी में दिन ब दिन कीमत बढ़ती जा रही है। चलिए तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है। इनका नाम आपको नीचे कमेंट करके देना है और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद।